कोई व्यक्ति छूट न जाए, मैं आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे काम हमारी योजना है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे, आगे हम अच्छी अच्छी योजनाओं को और अच्छा बनाने के लिए आगे योजना के कहते थे कैसे होगा। हमने आयुष्मान योजना को 5 लाख से लेकर 10 लाख तक बढ़ाया और अब हम 25 लाख तक इलाज कराने में कहते हैं दवाइयां बंद हो जाएंगी। परसों ही मैंने बात की, केंद्र में भी बात की, हमारे मंत्री जी से भी बात की। मैं आपको कहना चाहता हूँ जो दवाइयां मिलती थी वो मिलेंगी। हमने कोशिश की है कि उसमें कम से कम ऐसी दवाइयां और बढ़ाने का काम करें जो हमें आवश्यकता हो रही है। हम कम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी हाँ, ऐसा ही कहा था राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। हमने भी सोचा चलिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, अगर कोई सरकार जनहित योजना का अगर काम शुरू करती है तो बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे पहले वाली सरकार कांग्रेस की क्यों ना हो। लेकिन फिर अगले ही पल शाम तक आदेश आ गया कि युवाओं के लिए जो योजना कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी के नाम से शुरू की थी वो बंद हो रही है, और रोजगार देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने एक झटके में 50,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया नए साल का गिफ्ट देके। अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, बस वाह मोदी जी वाह वाह वाह। खैर, खबर कुछ यूं है कि सुन लो ये खबर आपके काम की है, जो सरकार बनाई है उसकी अच्छी बुरी खबरों को तो आपको जानना ही चाहिए, और ये खबर जानो उसके पहले चैनल भी आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाली योजना का कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री योजना है। नीचे बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वो दबा दो, और हाँ लाइक का बटन भी दबा देना साथ साथ इस वीडियो की। तो आप बात कर रहे थे हम 50,000 रोजगार युवाओं को बेरोजगार करने की, अच्छे खासे रोजगार पर लगे हुए थे उनको बेरोजगार करने की, जो 31 दिसंबर को राजस्थान के जो 50,000 युवा हैं वो बेरोजगार होने वाले हैं। तो अभी तक जो युवा 10,000 रुपए तक कमा रहे थे अब वो बेरोजगार हो जाएंगे। राजस्थान में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का कार्यक्रम हो रहा था, और उस कार्यक्रम के दौरान जो मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री हैं भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने कहा था कि वे किसी भी पिछली सरकार की जो योजनाएं हैं, कांग्रेस की जो गहलोत सरकार की जो उन्होंने योजनाएं शुरू करी थी, वो कोई भी योजना को बंद नहीं करेंगे, और बल्कि उन्हें और ज्यादा असरदार बनाया जाएगा। काफी अच्छी बात कही थी उन्होंने, सबने तालियां भी बजाई थी, लोग बाग काफी खुश भी हुए थे। लेकिन शाम होते होते गहलोत सरकार में शुरू हुई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को 31 दिसंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इससे राज्य के जो 2000 युवाओं थे जो रोजगार पर लगे हुए थे उन पर असर पड़ेगा, और असर क्या पड़ेगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजनाओं में युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में 6 महीने से 2 साल तक की इंटर्नशिप करवाई जाती थी। इंटर्नशिप में युवाओं को 10,000 रुपए महीना दिए जाते थे। ये योजना साल 2021 और 22 के अंदर शुरू की गई थी। जब ये आदेश जैसे ही आया तो इधर अशोक गहलोत का भी बयान आ गया, पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने भाजपा सरकार के फैसले पर पलटवार किया। गहलोत ने बयान जारी करते हुए कहा कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्य करे युवाओं की सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं है। ये युवा सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक हैं और सरकार की काफी मदद कर रहे हैं। नई सरकार को इस योजना के नाम से परेशानी थी तो राजीव गांधी सेवा केंद्र की तरह नाम बदलकर ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख सकती थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी एक्स पर एक पोस्ट किया कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने नए साल से पहले राजीव गांधी युवा मित्रों का इंटर्नशिप कार्यक्रम समाप्त करके उन्हें बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है।
कांग्रेस बीजेपी सरकारों का एक दूसरे की जो ये स्कीम बंद करने का जो मामला है ये काफी पुराना है। इसमें सफर कौन करता है? जनता सफर करती है। ये अपने नाम के चक्कर के अंदर जो अच्छी योजनाएं होती हैं उनका भी बैंड बजा देते हैं, उनको भी बंद कर देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में ये जो नई सरकार आई है उसने सबसे पहले जो सबसे अच्छी योजना थी चिरंजीवी की योजना, जिसमें गरीबों को फ्री इलाज की सुविधा थी, प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री इलाज की अच्छी इलाज की सुविधा थी, वो आते ही बंद कर दिया। जबकि अगर चाहते तो इसका नाम बदल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये ट्रेंड काफी पुराना है। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की सरकारों का एक दूसरे की स्कीमों को बंद करने का ये जो ट्रेंड रहा है, जैसे कि पहले जब गहलोत सरकार आई थी तो उसने भामाशाह योजना बंद की थी, 2009 में जब गहलोत सरकार ने कार्यभार संभाला था तब वसुंधरा राजे की जो भामाशाह योजना थी उसको बंद कर दिया था, साल 2008 में राजे आधार कार्ड की तर्ज पर भामाशाह कार्ड की योजना लेकर आई थी, जिसमें लाभार्थी के कार्ड बनाकर उन्हें सभी योजनाओं का लाभ देना था। इसमें हर महिला का बैंक खाता खुलवाकर उसमें कुछ पैसा सरकार को देना था। साल 2009 में गहलोत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। वसुंधरा सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्रों के नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद में अटल सेवा केंद्रों का नाम था उसको बदलकर राजीव गांधी सेवा केंद्र फिर कर दिया। गहलोत सरकार के समय रिफाइनरी प्रोजेक्ट का भी ये रिव्यू किया गया था। तो कुल मिलाकर इसके अंदर होता कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो जनता है वो जनता सफर करती है। सरकारें राजस्थान के अंदर हर 5 साल के अंदर बदलती हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए या कुछ ऐसे नियम होने चाहिए कि जो जनहित योजना है वो जनहित योजना किसी नेता के नाम पर नहीं, किसी पार्टी के नेता के नाम पर नहीं, एक कॉमन नाम पर हो, ताकि न तो ये सरकार बंद कर सके ना वो सरकार बंद कर सके। तो कम से कम इसमें जो आम जनता है वो आम जनता तो सफर नहीं करे। अभी जैसे कि चिरंजीवी योजना बंद कर दी, तो इस चिरंजीवी योजना के अंदर जब तक ये दूसरी योजना शुरू नहीं करते हैं तब तक जो जनता है वो तो सफर कर रही है। अभी आप हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो कितने लोग परेशान हैं। तो खैर, इस बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।